नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कोरोना से पहले भी बहुत खराब थी, लेकिन अब कोरोना के दौरान और उसके बाद लोगों पर कर्ज का बोझ दुगना हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 की तुलना में 2021 में कोरोना काल के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुल कर्ज है वो दुगना हो चुका है। लोगों को अपने कीमती सामान को गिरवी रखकर घर का कामकाज चलाना पड़ रहा है या फिर वैकल्पिक लोन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। साल 2012 की तुलना में 2018 में शहरी क्षेत्र के लोगों पर कर्ज की राशि में 42% और ग्रामीण इलाकों में 84% का इजाफा हो गया। इस दौरान देश के 18 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में औसत कर्ज दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में औसत कर्ज दोगुने तक बढ़ गया है। 2012 में ग्रामीण इलाकों में कर्ज और संपत्ति का अनुपात 3.2 था, जो 2021 में बढ़कर 3.8 हो गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ये आंकड़ा 3.7 था, जो अब बढ़कर 4.4 हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय परिवारों पर औसतन कर्ज बढ़कर GDP का 27.3% हो गया, जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष में 32.5% था। वास्तव में पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में GST लागू होने के बाद से ही बढ़ा है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 4 साल में परिवार पर कुल कर्ज करीब 7.20% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 17-18 में ये GDP का 30.1% था, जो कि साल 2018-19 में बढ़कर 31.7% और 2019-20 में 32.5%, 2020-21 में उछलकर 37.3% तक पहुंच गया है। परिवार के लोन में बैंक, क्रेडिट सोसाइटी से लिया गया लोन, गैर बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी से लिया गया रिटेल लोन, कृषि और बिजनेस के लिए लिया गया लोन भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए बेहतर बताया गया है। माना जा रहा है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जो उनकी कर्ज की स्थिति है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। हालांकि इसके बाद भी किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की जरूरत होगी। कोरोना के कारण भारत के जॉब मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है। महामारी की वजह से जो भारत में रह रहे प्रोफेशनल्स हैं वो अपने करियर को लेकर अब नए सिरे से सोच रहे हैं। Amazon इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। ई कॉमर्स क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने ये सर्वे ये जानने के लिए किया था कि लोगों की नौकरियों और करियर प्लानिंग पर COVID-19 का कितना असर पड़ा है। मॉर्निंग कंसल्ट ने अगस्त में ये सर्वे 1000 प्रोफेशनल्स के बीच किया था और इसमें सामने आया है कि करीब 59% लोग अब नई नौकरी की तलाश में हैं। Amazon इंडिया के सर्वे के मुताबिक 33% प्रोफेशनल्स की सैलरी में कटौती की गई, जबकि 59% प्रोफेशनल्स अपने लिए नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। COVID-19 के कारण भारत में 3 में से 1 से ज्यादा यानी 35% पेशेवर के वेतन में कटौती की गई है। भारत में नौकरी तलाश कर रहे 3 में से 2 से ज्यादा यानी कि 68% लोग COVID-19 के कारण किसी दूसरे उद्योग में रोजगार की तलाश में हैं। वहीं देश में नौकरी तलाश रहे 3 में से 1 यानी 33% व्यक्ति को तुरंत ऐसी नई नौकरी की तलाश है जहां पर वो ज्यादा उपयोगी काम कर सके। नौकरी तलाश कर रहे 51% भारतीय उन उद्योगों में अवसर तलाश कर रहे हैं जिनमें उन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है। वहीं 55% भारतीयों ने कहा है कि वो नौकरी के लिए आवेदन करते समय सबसे ज्यादा महत्व उससे मिलने वाले वेतन को देते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 56% लोग पेशेवर नौकरी में सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि करीब आधे यानी कि 49% लोग पेशेवर नौकरी में उन अवसरों को महत्व देते हैं जहां पे उन्हें कुछ सीखने या फिर खुद का विकास करने का मौका मिले। वहीं 47% भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी की तलाश के दौरान सुरक्षित कार्यस्थल पर काम करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वे में शामिल 75% भारतीयों का मानना है कि उनके मौजूदा स्किल्स अगले 5 साल में पुराने हो जाएंगे। 90% भारतीयों ने नए स्किल्स सीखने में रुचि दिखाई है। वहीं 45% प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि डिजिटल और टेक्निकल स्किल करियर के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो वहीं 38% भारतीय ये मानते हैं कि मार्केटिंग का स्किल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।